अरे कहना क्या चाहते हो? किताबें सर, बुक्स। बुक्स भूल गया सर, ले लो। बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें हर साल 1800 से भी ज्यादा फिल्में बनाई जाती है, वो भी अलग अलग भाषाओं में। मगर आज जो हम बड़े पर्दे पर चकाचौंध से भरी बेहतरीन फिल्में देखते हैं, उन सब की शुरुआत हमारे देश में कैसे हुई, किसने की, वो भी आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले। तो आइए जानते हैं कैसे बनी भारत की पहली फिल्म और उसकी अविश्वसनीय कहानी। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप मिस ना करें। दिन था शनिवार का, तारीख 3 मई 1913। वो ये दिन था जब राजा हरिश्चंद्र ये भारत की पहली फिल्म थिएटर्स में दिखी। दरअसल ये एक साइलेंट फिल्म थी। इस फिल्म का निर्माण किया था भारतीय सिनेमा के पितामह श्री दादा साहब फाल्के जी ने। दादा साहब फाल्के एक महान भारतीय फिल्म निर्माता, निर्देशक, स्क्रीन राइटर, कथाकार, सेट डिजाइनर, ड्रेस डिजाइनर और संपादक भी थे। बचपन के दिनों से ही दादा साहब की रुचि कला की ओर थी और इसी क्षेत्र में वो अपना करियर भी बनाना चाहते थे, जिसके लिए साल 1885 में उन्होंने मुंबई के जेजे कॉलेज ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। उन्होंने बड़ौदा के मशहूर कला भवन में भी शिक्षा हासिल की। इसके बाद उन्हें नाटक कंपनी में बतौर चित्रकार के रूप में काम भी मिल गया। 1903 में वे पुरातत्व विभाग में फोटोग्राफर के तौर में काम करने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद दादा साहब का मन फोटोग्राफी से भी उब गया। उनका उस काम में उतना मन नहीं लगता था। उन दिनों मुंबई में अमेरिका इंडिया थिएटर में एक विदेशी साइलेंट फिल्म लाइफ ऑफ क्राइस्ट दिखाई जा रहा था, जिसे दादा साहब ने भी देखा और उस पल के बाद से ही मानो उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। वो चलचित्र यानी फिल्म देखते समय दादा साहब के दिमाग में कुछ बातें आई और वो ये सोचने लगे कि अगर हम प्रभु ईसा मसीह की जगह पर भगवान श्री कृष्ण, राम, समर्थ गुरु रामदास, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत तुकाराम इत्यादि महान व्यक्ति को दिखाई दे तो हमारे लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। उन्होंने ये सोचा कि इसी चलचित्र के माध्यम से हमारे भारतीय महान लोगों के चरित्र को चित्रित किया जाए। दादा साहब इस नई कला यानी चलचित्र से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। उनमें चलचित्र निर्माण की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने चलचित्र निर्माण से जुड़ी कई किताबों का अध्ययन किया और 5 पाउंड में एक सस्ता सा कैमरा भी खरीदा और उन्होंने बतौर फिल्म मेकर अपना करियर बनाने का फैसला लिया। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए साल 1912 में अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेकर वो लंदन चले गए, क्योंकि जो करियर उन्होंने चुना था उससे जुड़ी कोई भी जानकारी हमारे देश में मौजूद ही नहीं थी, इसलिए उस समय उन्हें लंदन जाना पड़ा। लगभग 2 सप्ताह तक लंदन में फिल्म निर्माण के बारे में सभी बारीकियां उन्होंने सीखी और इससे जुड़े उपकरण भी उन्होंने खरीदे और फिर वापस मुंबई लौट आए। मुंबई आने के बाद दादा साहब ने फाल्के फिल्म कंपनी की शुरुआत की और उसके बैनर तले राजा हरिश्चंद्र नाम की अपनी पहली फिल्म बनाने का फैसला लिया, जिसे बनाने में लगभग 6 महीने से भी ज्यादा वक्त लगा था। लेकिन ये कार्य इतना आसान भी नहीं था। फिल्म के निर्माण के दौरान दादा साहब की पत्नी ने उनकी बहुत ही सहायता की। वो फिल्म में काम करने वाले लगभग 500 लोगों के लिए खुद खाना बनाया करती थी। इस फिल्म के निर्माण में उस वक्त लगभग 15,000 रुपए लगे थे, जो कि उन दिनों बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी। आखिरकार फिल्म बनकर तैयार हो गई और 3 मई 1913 को मुंबई के कोरेशन सिनेमा हॉल में यह फिल्म पहली बार दिखाई गई। लगभग 40 मिनट की इस पहली फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और यह चलचित्र सुपरहिट साबित हुआ। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं था। दादा साहब को इस फिल्म को बनाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहली दिक्कत तो फिल्म के लिए पैसे जुटाने में आई और दूसरी दिक्कत एक अभिनेत्री को तलाशना था। उस दौर में महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं समझा जाता था, इसलिए किसी ने भी इस काम को करने के लिए हामी नहीं भरी। लोगों की तरफ से उन्हें उल्टा सीधा भी सुनना पड़ा, फिर भी वो नहीं रुके। महिला एक्ट्रेस को तराशने के लिए दादा साहब ने कोटे तक के चक्कर लगाए। आखिरकार एक होटल में बावर्ची के तौर पर काम करने वाले व्यक्ति अन्ना सालों के ये शख्स राजी हुए और उनको फिल्म की हीरोइन के तौर पर चुना गया। राजा हरिश्चंद्र को हमारे देश के पहले फुल लेंथ फीचर फिल्म के तौर पर जाना जाता है। इस फिल्म में महारानी तारामती का किरदार एक पुरुष कलाकार ने अदा किया था। इस फिल्म के निर्माण में कुल 7 महीने और 21 दिन का वक्त लगा था। इस फिल्म की कहानी
राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर थी, जिन्हें पूरी दुनिया सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के तौर पर जानती थी। इस फिल्म का प्रचार उन दिनों 57,000 तस्वीरों से तैयार एक परफॉर्मेंस, 2 मील लंबी पिक्चर और ये सब कुछ सिर्फ 3 आनों में इस विज्ञापन के जरिए किया गया था। इसे भारत की बेहद खास और पहली मराठी फिल्म होने का दर्जा भी प्राप्त है। इस फिल्म के अलावा उन्होंने मोहिनी भस्मासुर, सत्यवादी सावित्री और कालिया मर्दन जैसी यादगार फिल्मों का निर्माण भी किया। दादा साहब फाल्के एक ऐसे महापुरुष थे जिन्हें भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। दादा साहब का जन्म 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के नासिक शहर में हुआ था। उनका असली नाम धोंडीराज गोविंद फाल्के था और उनके पिता शास्त्री फाल्के संस्कृत के विद्वान थे और बेहतर जिंदगी की तलाश के लिए उनका परिवार नासिक से मुंबई पहुंचा। फाल्के ने अपनी शुरुआती पढ़ाई 1885 में मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पूरी की। फिर 1890 में कलाकृति, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, पेंटिंग और फोटोग्राफी की पढ़ाई गुजरात के वडोदरा से पूरी की थी। उन्होंने अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया, जो कि भारत की फुल लेंथ फीचर फिल्म थी। ये एक साइलेंट फिल्म थी जिसमें सभी मराठी कलाकारों को कास्ट किया गया था। 16 फरवरी 1944 को भारतीय सिनेमा जगत के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के जी का नासिक में निधन हो गया। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा में उनके अभूतपूर्व योगदान के चलते 1969 से भारत सरकार ने उनके सम्मान में दादा साहब फाल्के इन अवार्ड की शुरुआत की। इस पुरस्कार को भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। भारत सरकार की ओर से इस पुरस्कार में अब 10 लाख रुपए नगद, स्वर्ण कमल और शाल प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहले देविका रानी चौधरी को यह पुरस्कार मिला था और हाल ही में तमिल स्टार रजनीकांत जी को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। दादा साहब फाल्के अकेडमी के द्वारा दादा साहब फाल्के के नाम पर 3 पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जिसमें फाल्के रत्न अवार्ड, फाल्के कल्पतरु अवार्ड और दादा साहब फाल्के अकेडमी अवार्ड भी शामिल है। 14 मार्च का दिन भारतीय सिनेमा के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसी दिन 84 साल पहले भारतीय सिनेमा को आवाज मिली, गूंगी फिल्मों ने बोलना सीखा। वो दिन था शनिवार का और तारीख थी 14 मार्च 1931। इसी दिन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में अर्देशित ईरानी निर्देशित आलम आरा रिलीज हुई। यह भारत की पहली बोलती फिल्म थी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दुनिया भर के ऐसे ही फैक्ट, हिस्ट्री और नॉलेज से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।